हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अब तक का मैंने जो इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस शुरू किया है उसमें आपको इज आर एम, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स और यूज ऑफ हाउ मेनी, हाउ मच एंड हाउ का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा भी होगा और जितने भी होमवर्क देता हूँ मैं आपको घर पर बनाने के लिए वो भी आप करते होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इजारेम में, इजारेम का चैप्टर पूरा हो गया आपका। इजारेम का जो बेसिक सेंटेंसेस थे, बेसिक इंग्लिश के इजारेम में आपका पूरा हो गया स्टेप। ओके फ्रेंड्स, तो हम उसको एक ही बार में बनाना सीखते हैं। ओके, बहुत ही इजी वे है, आप एक बार इसको देखेंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ एक दो दिन प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद इजारेम आपके भेजे में अच्छी तरह से घुस जाएगा। ऐसे घुसेगा कि फिर उसके उससे संबंधित जितने भी सेंटेंसेज आएंगे आपके दिमाग में, जहन में, आप बिना सोचे उसका इंग्लिश बोल दोगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक सेंटेंस, मैं एक टीचर हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं एक टीचर हूँ मैंने बोल दिया, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, मैं टीचर नहीं हूँ, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं टीचर हूँ, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी से हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे, एक क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस लेंगे, उसमें हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड डाल के एक सेंटेंस लिख लेते हैं। ठीक है, मैं टीचर क्यों हूँ, क्यों हूँ, ये हो गए चार तरह के सेंटेंस। ओके, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड वाले में भी नेगेटिव भी आता है और इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव इंटरोगेटिव आता है, तो उसको भी हम सीखेंगे। बट हम एक आपको एक वे बता रहे हैं प्रैक्टिस करने का, एक दिन आप ऐसे सेंटेंसेस बना बना के प्रैक्टिस करो, फिर ऐसे दिमाग में आएगा कि फिर इससे संबंधित जितने भी सेंटेंस आपके दिमाग में, जहन में आएंगे, आप बिना सोचे ही उसको इंग्लिश में बोल देंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। ओके, दूसरा है मैं एक टीचर नहीं हूँ, तो नेगेटिव का जो फॉर्मूला है वो इजारेम के बाद नॉट लगाकर बनाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। ओके, क्या मैं टीचर हूँ, क्या मैं टीचर हूँ, तो क्या मैंने इंटरोगेटिव यानी कि इज आर एम पहले, तो मैं के साथ एम लगता है तो एम लिखेंगे, एम आई और टीचर। उसके बाद मैं टीचर क्यों हूँ, तो क्यों यानी कि क्वेश्चन वर्ड, जब भी किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड को, तो वाई क्वेश्चन वर्ड है तो वाई पहले लिखेंगे। उसके बाद आई के साथ एम लगता है तो हेल्पिंग वर्ब, वाई एम आई अ टीचर। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, एक सेंटेंस उठा लो अफर्मेटिव का, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूँ, एम आई अ टीचर, मैं टीचर क्यों हूँ, वाई एम आई अ टीचर। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से हम इसमें एक नेगेटिव लेते हैं, क्या वह तैयार नहीं है, क्या वह तैयार नहीं है, तो इसको हम दो तरीके से बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक शॉर्ट फॉर्म से भी बनाते हैं, पहले लॉन्ग फॉर्म से बनाते हैं, इज ही, क्या वह तैयार नहीं है, नॉट रेडी। ओके फ्रेंड्स, इज ही नॉट रेडी। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इज और नॉट को हम साथ में लिखेंगे, इज और नॉट को साथ में लिखते हैं तो क्या होता है, इजंट होता है, इजंट ही रेडी। ओके फ्रेंड्स, वह तैयार क्यों नहीं है, वह तैयार क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं, क्यों आया, वाई लिखेंगे पहले, इज ही नॉट रेडी, या शॉर्ट फॉर्म हम इसका लिखेंगे तो वाई इजंट ही रेडी। ओके फ्रेंड्स, वाई इजंट ही रेडी, इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक आपका तरीका हो गया,
पहले एक अफर्मेटिव सेंटेंस लो, उसका इंट्रोगेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, फिर इंट्रोगेटिव बनाओ, उसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड्स जोड़ के उसका क्वेश्चन वर्ड बनाओ। ये प्रैक्टिस करने का वे बता रहा हूँ आपको, आप प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते। किसी ने कमेंट किया था कि सर बहुत सारे लोग एक हफ्ते में इंग्लिश सिखाने के लिए गारंटी देते हैं और बहुत आसान तरीके से वो सिखाते हैं एक हफ्ते में, तो आप भी कोई ऐसा एक वीडियो अपनी मेहनत से बनाओ, अपनी मेहनत से, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी और के मेहनत से यहाँ पे बना रहा हूँ, शूट करता हूँ किसी और के मेहनत से, इसको एडिट करता हूँ किसी और के मेहनत से, ये टॉपिक पढ़ाता हूँ किसी और के मेहनत से, या मैं होमवर्क में टाइप करके होमवर्क से देता हूँ किसी और के मेहनत से, वैसे लोगों को ऐसा लगता है। फ्रेंड्स, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जो आपको एक हफ्ते में या एक महीने में भी आपको इंग्लिश सिखा दे। हाँ, 3 महीने के कोर्स ज़रूर होते हैं, चलाए ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन उस क्लास में, 3 महीने की क्लास में सीखने वाले स्टूडेंट 95% स्टूडेंट नहीं सीखते, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। सिर्फ 5% वो लोग सीखते हैं जिनकी इंग्लिश पहले से ही थोड़ी बहुत अच्छी है, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश पहले से बोलते हैं, जो अच्छी तरह से लिखना पढ़ना जानते हैं और थोड़ा बहुत बोलते भी हैं, वही उनके लिए ही 3 महीने का कोर्स होता है फ्रेंड्स, बाकी सबके लिए नहीं होता है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सैकड़ों स्टूडेंट आ चुके हैं, लिखना पढ़ना तक नहीं आता उनको, कैसे 3 महीने में सिखाएंगे इंग्लिश? और आप हमें कमेंट करके बोलते हैं कि कोई ऐसा तरकीब ट्रिक्स बताओ कि एक ही दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में पूरा इंग्लिश सीख जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। आप बस यही तरकीब ढूंढते रहो पूरा यूट्यूब पे, पूरा गूगल्स पे कि 2 दिन में इंग्लिश कैसे सीखे, 3 दिन में इंग्लिश कैसे सीखे, और यही ज़िंदगी भर देखते रहो कि 2 दिन में इंग्लिश कैसे सीखे, 10 मिनट में पूरा टेंस कैसे सीखे, 10 मिनट में 10,000 वर्ड मीनिंग्स कैसे याद करें, यही सब खाली देखो और देखते रह जाओगे ज़िंदगी भर, इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, ये सच्चाई है। इंग्लिश सीखना है तो आपको शुरू से टाइम देना पड़ेगा उसको। आप 15 साल इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, 15 साल से आपने इंग्लिश नहीं सीखा, आप 3 महीने में, 2 महीने में, 1 हफ्ते में कैसे सीख लोगे? है इतनी औकात आपकी कि आप 3 महीने में या 1 महीने में सीख कर दिखा दो? मैं तो ख़त्म कर दूंगा पूरा कोर्स 3 महीने में, क्या 3 दिन में पूरा कोर्स ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए उतनी ऑब्जर्व करने की, समझने की। ओके फ्रेंड्स, तो आप कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि 1 दिन में, 3 दिन में या 2 दिन में या 1 हफ्ते में या 3 हफ्ते में पूरी इंग्लिश सीखी जा सकती है, कभी नहीं जी सीखी जा सकती इंग्लिश। सीखना है तो शुरू से धीरज रख के सीखना पड़ेगा और अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन सीखा फिर बंद कर दिया, फिर कहीं क्लास में जाते, मेरे भी क्लास में आते हैं, 1 महीने आते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर 1 साल के बाद फिर मेरे पास ही आते हैं। कई ऐसे लड़के हैं जो 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने पढ़ पढ़ के और छोड़ देते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो सीख कर जाकर बाहर बोलते हैं कि अच्छा नहीं पढ़ाता है, फिर चारों तरफ क्लास करता है, फिर लास्ट में मेरे पास ही आता है, जब उसको पता चलता है कि दूसरी जगह तो सीखना मुश्किल है, यही सही था। तो फ्रेंड्स, ऐसा आप कभी मत सोचो, मैं एक बिल्कुल जेन्युइन चीज़ आपको पढ़ाता हूँ, जिस तरह से सीखा जा सकता है वही रास्ता बताता हूँ मैं आपको। आपको मैं ऐसी बेवकूफ़ बनाने के लिए क्लास नहीं बना रहा हूँ सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए कि 10 मिनट में पूरा टेंस सीख लो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं हो सकता इसमें। सिर्फ आप वीडियो जाकर देखोगे, उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको वीडियो देखते वक्त लगेगा, अरे हाँ अरे बहुत अच्छा उपाय बताया है, लेकिन उस उपाय का कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। फ़ायदा तभी होगा जब आप लॉन्ग टर्म में सीखोगे। ओके फ्रेंड्स, इसलिए अगर आपको इंग्लिश सीखना है, जहाँ पर आपने 15 साल बर्बाद किया है अपने स्कूल में, सिर्फ यहाँ पर 15 महीना बर्बाद करो, 1 साल बर्बाद करो, सिर्फ 6 महीना मन से दो, मन से, उसके बाद आप खुद ब खुद लाइन पर आ जाओगे, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। ओके फ्रेंड्स, सो आप सीखना है तो धीरे धीरे सीखो, अच्छी तरह से सीखो, खाना चबा चबा कर खाओ, थोड़ा खाओ बट चबा चबा कर खाओ तो पूरे शरीर को लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इस पर बहुत सारा, एक सेंटेंस अफर्मेटिव करेंगे, उससे नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, फिर क्वेश्चन नोट बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं है, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, क्या वह मेरा दोस्त है, इज़ ही माई फ्रेंड, क्या वह मेरा दोस्त नहीं है, इज़ ही नॉट माई फ्रेंड, इज़न्ट ही माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त कैसे है, हाउ इज ही माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त कैसे नहीं है, हाउ इज ही नॉट माई फ्रेंड, या हाउ इज़न्ट ही माई फ्रेंड।
मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं। माई फादर इज़ एडुकेटेड। मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं। माई फादर इज़ नॉट एडुकेटेड। क्या मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं? इज़ माई फादर एडुकेटेड? क्या मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं? इज़ माई फादर नॉट एडुकेटेड या इज़न्ट माई फादर एडुकेटेड? मेरे पिताजी क्यों पढ़े लिखे हैं? वाई इज़ माई फादर एडुकेटेड? मेरे पिताजी क्यों नहीं पढ़े लिखे हैं? वाई इज़ माई फादर नॉट एडुकेटेड या वाई इज़न्ट माई फादर एडुकेटेड? मेरे पिताजी कैसे पढ़े लिखे हैं? हाउ इज़ माई फादर एडुकेटेड? वह तुम्हारा घर है, दैट इज़ योर हाउस। वह तुम्हारा घर नहीं है, दैट इज़ नॉट योर हाउस। क्या वह तुम्हारा घर है? इज़ दैट योर हाउस? क्या वह तुम्हारा घर नहीं है? इज़ दैट नॉट योर हाउस या इज़न्ट दैट योर हाउस? वह तुम्हारा घर कैसे है? हाउ इज़ दैट योर हाउस? वह तुम्हारा घर कैसे नहीं है? हाउ इज़ दैट नॉट योर हाउस या हाउ इज़न्ट दैट योर हाउस? उसका दरवाज़ा खुला है, हिज डोर इज़ ओपन्ड। उसका दरवाज़ा खुला नहीं है, हिज डोर इज़ नॉट ओपन्ड। क्या उसका दरवाज़ा खुला है? इज़ हिज डोर ओपन्ड? क्या उसका दरवाज़ा खुला नहीं है? इज़ हिज डोर नॉट ओपन्ड या इज़न्ट हिज डोर ओपन्ड? वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, दे आर नॉट वेरी गुड प्लेयर्स। क्या वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं? आर दे वेरी गुड प्लेयर्स? क्या वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं? आर दे नॉट वेरी गुड प्लेयर्स या आरंट दे वेरी गुड प्लेयर्स? मैं उसका दोस्त हूँ, आई एम हिज फ्रेंड। मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट हिज फ्रेंड। क्या मैं उसका दोस्त हूँ? एम आई हिज फ्रेंड? मैं उसका दोस्त कैसे हूँ? हाउ एम आई हिज फ्रेंड? ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर इस वे में आप प्रैक्टिस करेंगे रोज़ कुछ दिनों तक, तो उसके बाद इस आरएम के बेसिक इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस हैं आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब कुछ मिलीजुली सेंटेंसेस जो अब तक आप पढ़ चुके हैं होमवर्क के लिए ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये रहा फ्रेंड्स, ये रहे सारे सेंटेंसेस, और ये सारे मिक्स सेंटेंसेस है, इज आर एम से है, बट नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स सारे मिक्स सेंटेंसेस आएंगे आपको। इनको आपको अच्छी तरह से समझकर बनाना है। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आपने एक बार सीख लिया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये फॉर्मूला है, ऐसे बनता है, तो आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगी। नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि वैसे सेंटेंस जहन में आते ही उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में अपने आप आ जाए और आप अच्छी तरह से बोल सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और फ्रेंड्स अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और वैसे लोगों तक हमारा वीडियो भी शेयर किया कीजिए जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।